ईसाई धर्म के प्रवर्तक जीसस क्राइस्ट के बारे में कौन नहीं जानता। जैसे कि आपको पता है कि उनका जन्म आज से 2000 साल पहले बेथलहम में हुआ था, और बेथलहम शहर जेरूसलम से लगभग 10 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है, और बेथलहम से लगभग 130 किलोमीटर दूरी पर स्थित है सी ऑफ गलीली, जो इसराइल का एक फ्रेश वाटर लेक है, जहां पर लगभग 2000 साल पुराना एक नाव मिला है, और कहा जा रहा है कि ये नाव ईसा मसीह का हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त भार्गव, और आप देख रहे हैं मिस्टर भार्गव 123 चैनल का अनदेखा सच वीडियो सीरीज। ये खोज ईसाइयों के लिए एक बहुत बड़ा बात है। उनका मानना है कि ये ईसा मसीह और उनके शिष्यों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली नाव थी, क्योंकि गॉस्पेल्स में 50 बार उल्लेख किया गया है कि इस तरह के नाव ने ईसा मसीह के जीवन और मंत्रालय में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। ये नाव 1986 में ही मिल गया था, पर फिर भी इस नाव को 12 साल मोम की टंकी में दुबा के रखा गया, क्योंकि ये नाव बड़ी ही नाजुक हालत में मिली थी। हुआ यह था कि सी ऑफ गलीली लेक के पास मोशे और युवाल लुफान नाम के दो भाई रहते थे, और दोनों भाई इसराइल के अतीत की कलाकृतियों की खोज करने में रुचि रखने वाले उत्सुक पुरातत्वविद थे। यह हमेशा उनकी आशा थी कि एक दिन सी ऑफ गलीली लेक में एक नाव की खोज करे। आखिर जैसे भगवान ने उनकी बात सुन ली थी, और एक साल बारिश कम हुआ और उस लेक का पानी का स्तर घट गया, और तुरंत वो दो भाइयों ने उस पहली बार उजागर हुए उस लेक के तट की जांच की, और किनारे पर दफन हालत में इस नाव के अवशेषों को ढूंढ निकाला। उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट के एक बड़े टीम ने 12 दिन और 12 रात काम करके इस नाव को बाहर निकाला। उस समय ये अफवाह फैल गई थी कि वो नाव सोने से भरी थी, और इसीलिए खुदाई कड़ी निगरानी में करना पड़ा। निकालने के बाद नाव की रेडियोकार्बन डेटिंग किया गया, और पता चला कि यह नाव ईसा पूर्व 50 से 50 ईस्वी की है, और इसी बीच बेथलहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था, इसीलिए इस नाव को जीसस बोट कहा जाता है। और अब यह नाव ईगल अलन गलीली बोट म्यूजियम में रखा हुआ है। सी ऑफ गलीली में मिलने के कारण इस नाव को प्राचीन गलीली नाव भी कहा जाता है। गलीली बोट ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज से 2000 साल पहले कैसे नाव इस्तेमाल होता था उसका एक जीता जागता उदाहरण है ये नाव। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। नए दर्शकों के लिए मेरा गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले नए वीडियोस आप देख सकें। और आपने अगर हमारे दूसरे वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।